पीड़िता के भाई हमारे साथ हैं जिन्होंने पीड़िता का बयान कोर्ट में दर्ज कराया है। क्या लग रहा है आप पर भी आरोपी, आप पहले से उस कंपनी को जानते थे और तिलक जो मुख्य आरोपी उसको बताया जाए? नहीं, दरअसल बात यह है कि सब अफवाह है। यहाँ हम परजे, जब मेरी सिस्टर आई थी उसके 3 मंथ बाद हमको बुलाया गया था। यहाँ आने के बाद 1 महीने बाद हमको पता चला कि कोई तिलक नाम के आदमी है और इनको तिलक सर बोल रहा था लोग, तिलक प्रताप सर डायमंड है, डायमंड मतलब। यहाँ आने के बाद पुलिस ने भी कल बताया कि लड़का माने आरोपी और लड़का लड़की पीड़िता का भाई मित्र था और पहले से परिचित थे, नहीं नहीं इसलिए ऐसा जा कुछ रहे। नहीं है, पुलिस का बयान भी है, सब बोला करते। नहीं नहीं वैसा कुछ नहीं है। आप जानते थे पहले से, नहीं बहन के नहीं मिलने से पहले जानते नहीं थे? बहन की मिलने के बाद हम ये पता था कि फेसबुक के माध्यम से जा रही है, बट ये नहीं पता था कि कहाँ का लड़का है, कौन है, ये मुझे नहीं पता था। उसके बाद लगभग 2-3 महीने बाद जब बोला लो कि काम नहीं कर रही है, पैसा नहीं मिलेगा अभी, कि आपको कम से कम 50-55 लोगों का टीम बनाना होगा, उसके बाद शेयर होल्डर मिलेगा, तो उसने सबसे पहले मेरी सिस्टर हमको बुलाई थी। आपको लगा था कि नहीं कि फ्रॉड कॉल है या फ्रॉड गैंग है, इस तरह का फ्रॉडिंग चल रहा है? दरअसल बात है, अब कहीं ना कहीं सिस्टर है तो विश्वास तो होगा ना, घर का फैमिली है तो आप विश्वास। कब समझे कि हो गया, मतलब गड़बड़ी हो गया? देखिए हम समझ गए थे शुरू में ही, कुछ दिन बाद समझे थे, बट होता नहीं है कि थोड़ा सा हम लोग नॉर्मल फैमिली से, तो कोई लालच दिया गया शेयर होल्डर की जी बात जी में, बिल्कुल लालच में हाँ, बात यहीं पे ही है, क्योंकि मेरे पापा जी अकेले कमाने वाले हैं, लगभग हम लोग 10-12 लोग फैमिली में। अच्छा। फिर अपहरण की बात है, जबरन गोपाल गोरखपुर ले जाने की बात जी सामने जी आई अपहरण में। हमारे नियर नगर निगम जो है फैमिली रेस्टोरेंट से, वहाँ से मीटिंग के बहाने बुलाया गया था। उसके बाद बोल लगभग 8-9 बजे गया था रात में, तो बोला लो कि चलो तुमको हम घर छोड़ देते हैं। घर छोड़ने के बहाने ये लोग आके गाड़ी में बैठा लिया लो, क्योंकि हमारे नगर निगम, हम लोग नगर निगम में भी घर आता है, मैक्सिमम 600-700 मीटर था, तो बोले कि हम चले जाएंगे, तो बोले नहीं नहीं चलो हम छोड़ देते हैं। और छोड़ने के बहाने उन लोग गोरखपुर लेके चले गए। यहाँ तो कि पापा जी ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी किए थे कि उसको छोड़िए, पूरा फैमिली में गांव जवान में क्या होगा, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग को फैमिली में थोड़ा सा बाबू से हम तो जान नहीं रहे सब। एक चीज़ और जो सामने आ रही, जिस तरीके से, दो ही सवाल हैं। जी जी बिल्कुल पुलिस ने कहा कि पीड़िता का भाई पहले से परिचित है और लिव इन में लड़की रहती थी आरोपी के साथ, क्या मिला ये नहीं, दोनों? देखिए परिचित ये जो बात है वो जरा सी गलत बात है, जो परिचित, और उसके बाद ये जो बोल रहे हैं लिविंग रिलेशनशिप, तो जबरदस्ती शादी कराया गया था उसका 2023 में, जब पुलिस ने यहाँ FIR में भी विलंब की कोर्ट परिवार पर हुआ, तो जी क्या यहाँ लग पे जो रहा है? छापामारी हुआ था 2023 में, उसके बाद में सभी लोगों को हाजीपुर यहाँ से शिफ्ट किया था। हाजीपुर में दरअसल जाने के बाद, दरअसल मेरे पापा जी को तबीयत ख़राब था, तो हम वहाँ पे अर्जेंट हमें दिल्ली जाना पड़ा था, क्योंकि पापा जी के पास कोई नहीं था, तो वहाँ हमें जाना पड़ा था। उसके बाद यहाँ पे ज़बरदस्ती इसका शादी कराया गया था मुजफ्फरपुर के ब्रांच अब जो। जो पुलिस संक्रिय, अभी भी पुलिस का जो बयान, क्या लग रहा है आपको, कहीं न्याय मिल रहा है? पुलिस देखिए हमें बिहार पुलिस पे पूरा भरोसा है, तो जो कह रही है कि आप मित्र थे, लड़की लिविन नहीं में नहीं रहती ये थी। जो बात थी ये गलत बात है पुलिस का रिकॉर्डिंग जी है मेरे पास, जी हो सकता है, बट ये जो बात थी ये बिल्कुल जरा सी गलत बात है। यहाँ आने के बाद कांटेक्ट हुआ था, अब बयान दर्ज हो गया, पीड़िता का बयान दर्ज हो गया, आप लोगों का भी हुआ कोर्ट में? नहीं मेरा नहीं हुआ है, पिता का हुआ पीड़िता का बयान दर्ज हो गया, जी यहाँ पुलिस मुख्यालय बुलाया गया मिलने के लिए, जी मिलने के लिए बुलाया गया पुलिस है एसपी बुलाया। तो जी। पीड़िता के भाई हैं, इन्हें पुलिस हेडक्वार्टर बुलाया गया, एसपी कार्यालय। अभी तक इसमें जैसा कोर्ट कंप्लेन में टोटल 9 लोगों पे लड़की ने आरोप लगाया, और हम लोगों ने जो मुख्य आरोपी है तिलक, उसकी हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। अन्य लोगों की बात सामने, 2 लोगों को हम लोग डिटेन किए थे, उन लोगों से पूछताछ किया, पूछताछ करके हम लोगों ने उनको छोड़ दिया है। अच्छा एक मामला और है, जिस तरीके से बात सामने आ रही है कि कई 100 लड़कियां, वो क्या मामला है, एक पीड़िता है या कई 100 लड़कियां? नहीं हम लोगों ने, जैसे पीड़िता का भी हम लोगों ने 161 का स्टेटमेंट लिया, या फिर कोर्ट के सामने भी उसने अपना स्टेटमेंट दिया, तो कहीं भी उसने 100, 200, एक नंबर कुछ बताया नहीं है। उसका कहना कई है, लड़की, हाँ उसका कहना है कि और भी कई लड़कियां मेरी जैसी रही होंगी जिनके साथ में मेरी तरह हुआ है, लेकिन वो भी अभी इस चीज़ को लेकर कन्फर्म नहीं है कि हुआ है नहीं हुआ है। ये जो लड़की के साथ में हुआ है, ये भी उसका, जिस एक्यूज को हम लोग अभी पकड़ के कल जेल भेजे हैं, उसके साथ में इसका कुछ पर्सनल रिलेशन था, उसी को लेकर के दोनों में विवाद था। सवाल और है, इसी कंपनी पर, DBR कंपनी पर जो है, मुजफ्फरपुर कहियापुर थाने में, उसी थाने में और रक्सौल में भी FIR हुआ, रक्सौल वाले में पॉक्सो बिट लगा हुआ है और मुजफ्फरपुर में गंभीर दफा लगा हुआ है, तो आखिर पुलिस उसे बंद क्यों नहीं कर रही है, कार्रवाई में? हम लोगों ने इसमें डेफिनेटली कार्रवाई की है। लास्ट ईयर जब इसमें रेड हुआ था, लास्ट ईयर भी अय्यापुर में सेम ब्रांच में सेम कंपनी में रेड हुआ था, हम लोगों ने 7 लोगों को जेल भेजा था। उस टाइम पे भी, तब से ये कॉल सेंटर हमारे यहाँ पे बंद हो गया है,
हाँ, इसमें हॉस्टल, उस बिल्डिंग में हॉस्टल चल रहा था जहाँ पे लड़के लड़के रहते थे, लेकिन यहाँ पे कंपनी फंक्शनल नहीं थी, कंपनी बाकी आसपास के जिलों में फंक्शनल थी। क्या करेगी, अब मुख्यालय को रिपोर्ट भेजी जाएगी या मुजफ्फरपुर दूसरे जिले के पुलिस से संपर्क करेगी, चूंकि 72 जगह पर इसका, 72 जिलों में सेंटर चल रहा डेफिनेटली इसका बाकी राज्यों में भी इसका सेंटर है, है। 72 जगह। हाँ, तो हम लोग जितने भी FIR वगैरह हुए हैं हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर सेम कंपनी के ऊपर में लड़के या लड़कियों ने अलग अलग जगह पर FIR किया है, उसका हम लोग कलेक्ट करके वहाँ से हम लोग संपर्क कर रहे हैं कि वहाँ पे क्या मैटर हुआ था, ताकि हमको और पता लग सके कि सही में किसी और जगह भी सेक्सुअल असॉल्ट का अगर मैटर आया हो तो वो हम लोग उस पर काम करेंगे। सेकेंडली कि इस कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन था तो हम लोग उसका भी हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं, और कंसर्न अथॉरिटीज़ को हम लोग एक लेटर लिखेंगे ताकि इस पर अकॉर्डिंगली कार्रवाई हो सके। मनीष कुमार सिन्हा जो CMD है, वही तमाम जगह आरोपी है, उसकी गिरफ्तारी के लिए क्या किया जाए? उसके लिए हम लोग सिवान सिवान में उसका था, लोकेशन मिल रहा था तो हम लोग ने उधर रेड किया था, लेकिन क्योंकि मैटर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया तो अभी भागा हुआ है, बट डेफिनेटली जल्दी जल्दी हम लोग उसका अरेस्टिंग देखिए, दो करेंगे। चीज में कंट्राडिक्शन है, पुलिस और पीड़िता में। आपने कहा कि लड़की का भाई पहले से परिचित था और उसका मित्र था, जिसका लड़की के भाई ने भी खंडन किया है कि मैं मित्र नहीं था, मतलब बहन पहले परिचित हुई फिर मैं परिचित, वही। दूसरा, दो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक में बेल्ट से पिटाई का और दूसरा में गलत तरीके से कपड़े वगैरह खुलवाने तो एक जो वीडियो है का, जस्ट आरोपी भी। हाँ, दो जो वीडियो आपने बताए हम लोग एक वीडियो का हम लोग कंफर्मेशन किए हैं, जिसमें आरोपी जिसको हम लोग जेल भेजे हैं वो एक लड़की के साथ मारपीट कर रहा है, और उस लड़की की हम लोगों ने पहचान किया और उस लड़की से हम लोग जल्दी पूछताछ भी करेंगे। जो दूसरा वीडियो है जिसमें बेल्ट से मारते हुए दिख रहा है और जिसका आप बोल रहे हैं, वो वीडियो अभी तक वेरीफाई नहीं हो पाया है कि वो किस सेंटर है, क्योंकि इनके बहुत सारे सेंटर चलते हैं और सारे सेंटर पे जब ये लोग मारपीट करते हैं तो जैसा अभी तक के हम लोग के इन्वेस्टिगेशन में आए कि लोग मारपीट का वीडियो भी बनाता है ताकि जो बाकी तो एम्प्लॉय। एक वीडियो जो काफी नियस है, शर्ट वगैरह खुलाया जा रहा है क्यों का, वीडियो में तो पहचान कर दो रहा है। हो रहा है, लेकिन उसमें कौन है वो लोग, कौन लड़का मारपीट किया है फिर कौन वो किया है, वो अभी हम लोग वेरीफाई नहीं कर पाए, और हम लोग ये भी वेरीफाई नहीं कर पाए कि वो इसी सेंटर का है किसी और सेंटर का है। एक वीडियो वेरीफाई हुआ है जो इसी सेंटर का है, जिसमें एक एक्यूज मारपीट किया है, बाकी का हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, हो सकता है वो किसी और, क्योंकि इसके बहुत सारे सेंटर चल रहे हैं तो पॉसिबल है कि वो किसी और सेंटर का भी वीडियो हो बड़ी सकता है। कार्रवाई, डेफिनेटली जो इसमें जिस तरह से एविडेंसेस मिलेंगे, जिस तरह से इसमें हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो अगर कोई सीरियस एलिगेशन रहेगा तो हम लोग डेफिनेटली इसमें कार्रवाई करेंगे।